बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी में आज एक्सिस बैंक ने मैजिक पिल का काम किया जी आई थिंक मार्केट को कुछ ट्रिगर चाहिए था वो एक्सिस बैंक ने प्रोवाइड कर दिया अब दुनिया शॉर्ट थी एक्सिस बैंक में एक्सिस के नंबर्स को इतने अच्छे नहीं थे लेकिन सिर्फ पोजिशनिंग uh, उसकी ऐसी हो गई थी कि बस हल्का सा सहारा चाहिए था वो नंबर्स ने भरा और बैंक निफ्टी ने हायर बॉटम बनाया बैंक निफ्टी ने अक्टूबर का लो भी नहीं तोड़ा आज और uh, इस तेज़ी में हम एक बार के लिए हो सकता है तिरपन हज़ार तक भी चले जाएँ तो अगर आपको कोई एक इंडेक्स फेवर करना है तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बेटर पोजिशन है अब कंपेयर टू तो निफ्टी क्योंकि इसने क्लियरली एक हायर हा, हायर लो बनाया अब देखते हैं हायर हाई बनाएगा या नहीं बनाएगा बैंक निफ्टी तो निफ्टी बैंक और निफ्टी से एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है आज थोड़ा सा सांत्वना मिली है क्योंकि पूरे हफ्ते डर लग रहा था कि एक एक के बाद एक नीचे हम फिसल ही रहे हैं लेकिन अनुज कल जो हमने देखा जिस तरह का रिएक्शन फैक्टर लौटा अब वो क्या बहुत ओवर रिएक्शन था जैसे कहते ना कि अति हो गई क्या वह था और बाकी नंबर्स में फिर अब कैसे पढ़ना चाहिए अभी बैक टू नॉर्मल देखिए उसमें भी एक चीज मैं आपको फिर बताता एच अब एफ बैंक एक साल का चार्ट में अभी भी आपको डबल दिखाई देगा तो स्टॉक भागा बहुत था तकलीफ ये भी होती है ना कि पोजिशनिंग जो होती है अब जैसे क्या एक्सिस के नंबर इतने अच्छे थे कि छह परसेंट ऊपर भागे एच डी क्या बजाज के नंबर इतने खराब थे कि स्टॉक बारह परसेंट गिरहैप नहीं लेकिन कल एक चीज तो होती कल थोड़ा सा तो लग रहा था कि क्या मार्केट में अति हुई कल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा चलिए ठीक है एक बार के लिए आपको बजाज ऑटो को पीटना था समझ में आया उसके चक्कर में टी को पीटना हीरो को पीटना बाकी सारे मारुति टाटा मोटर्स महिंद्रा सबको पीट डालना वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था